पुराने भजन जितने भी है उन सभी में ये भजनी ठेका यूज किया जाता था और अधिकतर आरती वगैरह में भी ये भजनी ठेका यूज किया जाता है। तो वैसे तो इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है और आप कहरवे के अंदर भी कहीं कहीं पर पीस में इसको यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड के जो पीस होते हैं लाइव प्रोग्राम में, जैसे कि लाइव प्रोग्राम में अधिकतर बात करता हूँ मैं लाइव प्रोग्राम के बारे में ही, और सिखाता भी उसके हिसाब से ही हूँ मैं आपको। तो अपन इसको कीबोर्ड के पीस में भी कहीं कहीं पर यूज कर सकते हैं आप, भले कहरवा ताल चल रहा हो या फिर भजनी ठेका चल रहा हो। ठीक है जी, इसको उठाने का तरीका भी बताऊंगा, जैसे कि मैंने इसको उठाया था और लग्गी भी इसके साथ में आपको बजाना में बताऊंगा। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी पहली फुर्सत से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी बहुत अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस आपको तबला ढोलक से रिलेटेड मिलने वाली है। और इंस्टाग्राम पर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहां से जाकर भी फॉलो कर दीजिए। डेली अभी प्रोग्राम चल रहे हैं मेरे, तो फिलहाल में मैं डेली लाइव आता रहता हूँ, तो अगर आप मुझे सीखने के लिए फॉलो करते हैं तो आपको वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वहां जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, आप इसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले इसके बोल बता देता हूँ मैं, अब वैसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा वीडियो में। इसके बोल देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले अपन उठान बजाना सीखते हैं इसकी, जो उठान बजाई थी ना मैंने, ये और ये लग गया अपन ने उसके बाद में बजाई। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बोल देख लेते हैं, इसके बोल क्या होंगे। सिंपल बोल है, आसानी से आप सीख जाएंगे। तीना ना तीना ना तीना किट तक ता किट तक ता के तेरे किट, दो पार्ट हो गए, एक तो तीना ना तीना ना तीना, फिर किट तक ता के तेरे किट। ठीक है जी, तो अगर आप बिगिनर है तो हो सकता है आपके लिए ये वाला वर्ड नया हो, किट तक ता के तेरे किट। तो इसको अपन बिल्कुल अलग से गौर देकर समझ लेंगे। देखिए ये तीना ना तीना ना तीना, फिर से देखिए तीना ना तीना ना तीना किट तक ता के तेरे किट, थोड़ा स्लो स्पीड में, तीना ना तीना ना तीना किट तक तक तेरे किट। एक और बार, तीना ना तीना ना तीना किट तक तक तेरे किट धा तीना किट ना तीना ना। ठीक है, इसके बाद लग्गी स्टार्ट हो जाएगी। तो देख लीजिए इसको कैसे बजाना, चाटी साइड से बता देता हूँ मैं आपको। ये चाटी साइड से कैसे बजेगा, तीना ना तीना ना तीना, तीन बर्ड जो है वो नीचे की साइड बजेगा और ना बर्ड ऊपर की साइड बजेगा। ठीक है, ये ना बजा रहा हूँ, यहाँ से नीचे आया तो तीन बर्ड बजेगा। खुला बजाना है ये ती, ऐसा नहीं बजाना, खुला ती, खुला साउंड आना चाहिए ता जैसा, और ना ऊपर बजाना, तीना ना तीना ना तीना। ठीक है जी, एक और बार देख लीजिए, तीना ना तीना ना तीना, फिर से तीना ना तीना ना तीना, उसके बाद में किट तक ता। अब किट तक में इधर से क लगा रहा हूं मैं, अभी बाएं साइड आपको नहीं दिख रहा तो क आप यहीं पर समझेगा। तो ये तीना ना तीना ना तीना किट तक ता, किट तक ता, किट तक बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। इधर से क लगाया बाई साइड से, फिर उसके बाद ट में ये वाले नीचे की तीनों फिंगर आएगी, की ट त क ता, ऐसा किट तक ता किट तक तक तिर किट, पहले किट तक ता, उसके बाद में वापस से किट तक ता क तिर किट, मतलब जो ता अपन सिंगल बजा रहे थे उसके बाद एक बार अपन को क और एड कर देना, ताक तिर किट हो जाएगा, ताक किट, किट तक ता किट तक तक तेरे किट, किट तक ता किट तक तक तेरे किट, तेरे किट आपको बजाना आता ही है, किट तक ता किट तक तक तेरे किट, तीना ना तीना ना तीना किट तक ता किट तक तक तेरे किट, फिर से तीना ना तीना ना तीना किट तक ता किट तक तक तेरे किट। ठीक है, बाएं साइड से समझ लीजिए, वैसे बाएं साइड से सिर्फ कई बजाना है, फिर भी आप एक समझ लीजिए, वो चीज कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए तीना ना तीना ना तीना, अब जो तीन वर्ड आ रहा है उसके साथ में आपको क ऐड करना है, ती ना ना ती ना ना तीना, उसके बाद में किट तक ता
तक ता किट तक तक तीर किट। मैंने आपको समझा दिया चार्टी साइड से कहां कहां पर आपको क लगाना है, ठीक है। वापिस से ती ना ना ती ना ना ती ना किट तक ता किट तक तक तीर किट। एक और बार ती ना ना ती ना ना ती ना किट तक तक तीर किट। दोनों साइड से समझ लीजिए। अब देखिए 1 2 3 स्टार्ट, फिर से, ठीक है। बाई साइड से सिर्फ क का यूज कर रहा हूं। ये तीना ना तीना ना तीना, तीन के साथ क लगाना है, भूलिएगा मत। तीना ना तीना ना तीना, उसके बाद में किट तक ता किट तक ता किट तक ता के तेरे किट किट तक ता किट तक ता के तेरे किट। तीना ना तीना ना तीना किट तक ता किट तक ता के तेरे किट, ठीक है। एक बार थोड़ा स्पीड में बजाते हैं। 1 2 3 4 जी। अब ये लग्गी समझ लेते हैं, ये लग्गी कैसे बजाना है। देखिए अभी तक अगर आपने ईयरफोन का यूज नहीं किया ना, तो अब ये लग्गी सिखा रहा हूँ, इसमें जरूर आप ईयरफोन का यूज कीजिएगा, क्योंकि बेस में थोड़ी सी बहुत बारीकी आपको समझनी है इसमें, तो उसके लिए आपको मेरा बेस सुनाई दे, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। अब देखिए एक और बार लग्गी थोड़ा स्लो स्पीड में बजा के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 उठान के साथ, तरीके से मैं आपको इसको समझाने वाला हूं, ठीक है। बोल जो मैं आपको बताऊंगा वो बोल क्या होंगे, एक इस तरह से मैं बजा रहा हूं जो कि थोड़ा सा इजी है, और एक इससे थोड़ा सा टफ जिसमें बेस थोड़ा आपको ज्यादा चलाना पड़ेगा। लोग ये नहीं कर पाएंगे, जिनका हाथ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे रेडी है वो लोग ये चीज जरूर कर पाएंगे, ठीक है जी। तो बोल मैं इसके बताऊंगा, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले इसके बोल देख लीजिए, इसके बोल क्या होंगे लग्गी के। धाती ना कटता दिन नाना, धाती ना कटता दिन नाना, इतने से बोले और इतने से बोली आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत है। धाती ना कटता दिन नाना, धाती ना कटता दिन नाना, धाती ना कटता दिन नाना, फिर से धातिन ना कटता दिन नाना, धातिन ना कटता दिन नाना, धातिन ना कटता दिन नाना। इस बोल को जरूर आपको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। आप याद करोगे ना जब जाके आप इसको सही से बजा पाओगे। अब देखिए कैसे बजाना है, चाटी साइड से आपको समझा देता हूं। देखिए ये कैसे बजेगा, ये धातिन ना, ठीक है। धा तीन वर्ड नीचे बजेगा, ता वर्ड आपको बजाना आता है, धा फिर तीन और ये ना, ठीक है। ता और ना लगभग सेम बजेगा, धा तीन ना, तीन का नीचे ध्यान रखना, तीन नीचे बजाना है, धा तीन ना, फिर कड़ता क और उसके बाद में ता डबल, इसकी सही से प्रैक्टिस करना आप, फिर ठीक है। कड़ता था कटता था कटता कटता कटता, इसकी सही से प्रैक्टिस करता आप, ठीक है। किटता 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 किटता, तो धाती ना किटता ऐसा, धाती ना किटता, ये किटता आपके लिए थोड़ा सा नया बोल होगा अगर आप बिगिनर है तो। धाती ना उसके बाद किटता दिन नाना, धाती ना किटता दिन नाना, दिन भी नीचे बजेगा क्योंकि तीन के साथ में बेस आप मिलाओगे तो दिन हो जाएगा, तो दिन वर्ड भी नीचे बजेगा, तीन वर्ड भी नीचे बजेगा, ओके जी। धातिन ना किटता दिन नाना की ट वर्ड इसलिए मैंने लगाया ताकि आपको बोलने में इजी हो, ठीक है। नहीं तो आप अपन इसको की त ता ये क ता ता कर सकते थे तो वो थोड़ा सा अजीब लगता, तो मैंने उसको ट बना दिया है, तो लेकिन बजाना आपको ताई है, की ट में भी खुला ता बजेगा, की ट ता इस तरह से। धातिन ना किटता, धातिन ना किटता दिन नाना, फिर से धातिन ना किटता दिन नाना, धातिन ना किटता दिन नाना। बाई साइड से देख लीजिए आप कैसे बजाना, बाई साइड से थोड़ा समझना है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ईयरफोन लगाना है आपको। अब देखिए धातिन धातिन ना, ठीक है, इसमें नॉर्मल बेस बज रहा है, धातिन ना किटता, किटता में क्या लगाओगे, धातिन ना किटता दिन नाना,
अब ये जो मैंने इसके बाद में जो बेस दबाया, ये चीज आपको जरूर दबाना है बेस को, ठीक है, स्लाइड नहीं करना है आगे। जिस तरह से मैं दबा रहा हूं ना, धा तीन ना कटता तीन ना ना धा तीन ना, करना कुछ भी नहीं है, बेस को ओपन बजाया, वाइब्रेट हो रहा है, आगे जाके ऐसा दबा के फिर यहां पर बजा दिया। उसके बाद में देखिए पूरा धा तीन ना कट, फर्स्ट वाला जो धार है वो तो बिल्कुल आपको जैसे लगती जब स्टार्ट होगी ना, वो वाला धार तो ओपन ही बजाना है, उसके बाद वाले जितने भी धार आएंगे ना वो सब क्लोज आएंगे। धा तीन ना कटता तीन ना ना धा तीन ना कटता तीन ना ना धा तीन ना कटता तीन ना ना ना, ठीक है। और ये नहीं हो पाए तो आप उसको स्लाइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप उसको उठाकर आगे रखेंगे, उसको दबाकर बजाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है जी। अब देखिए दोनों तरफ से मैं एक बार आपको समझा दूंगा, देखिए 1 2 3 4, थोड़ा स्लो स्पीड में 1 2 3 4, ठीक है जी। तो देखिए अब मैंने आपको एक और तरीके से इसको बजाना बताया था, जो कि थोड़ा सा टफ है, और मैंने बताया था जिनके हाथ में अच्छी तैयारी है वो इसको अच्छे से बजा पाएंगे। इसमें क्या करना है, बोल में सिर्फ इतना सा अंतर आएगा, धातिन ना कटता दिन धाना, एंड में नाना की जगह धाना हो जाएगा, दिन धाना, ठीक है। दिन में आपको नीचे स्लाइड करना है बेस को, और धाना में ऊपर आ जाएगा, धाना दिन धाना धातिन ना कटता दिन। बजा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नॉर्मल भी वो अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये उठान इसकी और ये दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं आपको भजनी ठेके के साथ में इसको बजा के दिखा देता हूं, देखिए 1 2 3 4, दोनों चीज समझ में आ गई होगी, उठान भी और लगी भी, ठीक है जी। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करके आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर जरूर इसकी वीडियो सेंड कीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे कि कौन कौन मेरी वीडियोस को देखता है और कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन चीजों को सही साठ बजा पा रहा है, कुछ गलती होगी तो जरूर मैं उसके अंदर बताऊंगा आपको, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन कुछ भी आपको गलत नहीं बजाना है, ठीक है। भले आप 10 बार रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन कोई भी वर्ड आपको गलत नहीं बजाना है, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई भी इधर क्वेश्चन होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।